हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि मीन वैल्यू थ्योरम, और ये थ्योरम जो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर बेस्ड है। तो ऐसे सेवरल वेरिएबल के जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने करा रखे हैं, जो आपकी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम के स्टेटमेंट को जान लेते हैं और फिर हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? कहती है अगर कोई फंक्शन है जो कि x से r में जा रहा है, और ये जो x है वो r स्क्वायर का सबसेट होगा, ठीक है, एंड जो x में जो मेंबर होंगे वो a कॉमा b रूप के होंगे, b सच दैट, मतलब अगर a b इस x में आता है, इस रूप का ही मेंबर है क्योंकि x r स्क्वायर से आ रहा है, और हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी है वो x का एक मेंबर है, x बिलोंग्स कर रहा है x में, बी सच दैट कि हमारा फंक्शन y, फंक्शन एफ वाई ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एफ वाई ए बी का मतलब डेरिवेटिव एफ वाई के करस्पॉन्डिंग, एंड एफ एक्स एग्जिस्ट थ्रू आउट नेबरहुड ऑफ ए बी, जो ए बी ए बी का नेबरहुड है जिसे हम बोलते हैं ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ठीक है, तो इस कंडीशन को वो होल्ड करता है, फंक्शन ए प्लस एच कॉमा बी प्लस की माइनस फंक्शन ए बी किसके बराबर होते हैं, एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस की प्लस की इंटू में फंक्शन वाई ए बी प्लस फाई के, जहाँ पे जो थीटा है ना उसकी जो वैल्यू होगी वो एक से छोटी होती है और जीरो से बड़ी होती है, एंड और इस फाई के की जो लिमिट होती है के टेंस को अगर जीरो कराया जाए, के को टेंस कराया जाए जीरो पर, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है, और स्टेटमेंट की मदद से ही आपका प्रूफ होगा, अदरवाइज प्रूफ में आपको दिक्कत आ जाएगी। स्टेटमेंट जो ये दे रखे हैं कि ये एफ वाई होगा एग्जिस्ट, ये चीज़ नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है, इन्हीं की मदद से ही कुछ ये जो प्रूफ होगा, ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट में ही प्रूफ छुपा हुआ है। अब आ जाओ प्रूफ में। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ये जो a प्लस एच बी प्लस के इसके नेबरहुड में है, ठीक है, इसके नेबरहुड में है। चलो ये चीज़ ले लेते हैं। देखो हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव, आप ऐसे लिखो, वी हैव फंक्शन a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस फंक्शन ए बी, ये चीज़ लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट में तो यही चाहिए आपको, तो ये लेके चल रहे हैं। अब देखो इस फंक्शन को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन, मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज़ को एक बार दोबारा लिख दिया, ये लिखा, और मैं थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर माइनस करके फंक्शन ए भी लिख दिया मैंने, दोनों तरफ बराबर ही है, ठीक है। अब मैं जो जगह छोड़ा है ना, देखो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वही चीज़ माइनस भी करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले माइनस कर देना है एफ ए कॉमा बी प्लस की, इसको मैंने माइनस किया और इसी को मैंने ऐड कर दिया, फंक्शन ए कॉमा बी प्लस की, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, ठीक। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस, सो इसको आप इक्वेशन नंबर वन लेट कर लो। आगे यहाँ तक अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोला है, सिंस ये जो हमारा a प्लस एच है बी प्लस के है वो नेबरहुड किसके नेबरहुड में, ए बी के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में ये पॉइंट है, और इन्होंने एंड साथ ही साथ ये भी बोला था कि जो फंक्शन x है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस नेबरहुड में, एंड क्या बोला है, फंक्शन x जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इन नेबरहुड ऑफ ए बी, ये चीज स्टेटमेंट में बोल रखा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय लैग्रेंज थ्योरम। ये लैग्रेंज थ्योरम भी मैंने करा रखा है, जिसका अब मैं यूज़ करूँगा, वो थ्योरम भी मैंने करा रखी है, आप सर्च करोगे तो मेरे वीडियो में आ जाएगा। तो देखो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस फंक्शन ए कॉमा बी प्लस के, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं एच
फंक्शन एक्स अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, जहाँ पर ये जो थीटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक से छोटी होगी और जीरो से बड़ी होगी। ठीक, ये स्टेटमेंट भी मेंशन किया था हमने। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब एफ एक्स का जो कंडीशन में दे रखा था उसका हमने यूज़ कर लिया। अब क्वेश्चन में एफ वाई भी तो दे रखा था, एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसका भी यूज़ करो। देखो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑल्सो क्या बोला है, ऑल्सो हमारा एफ वाई जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, ए बी पर। सो एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी पर, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला इसका है, डेरिवेटिव का पार्शियल लिमिट के जाता है ज़ीरो पर एफ ए बी प्लस के, यहाँ आता है माइनस फंक्शन ए भी यहाँ आ जाते हैं, और नीचे अपन में क्या देखें फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर मान लिखा जाता है, एफ वाई ए बी के। क्लियर। अब देखो ये अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये चीज़ यहाँ बचेगी, यानी कि फंक्शन ए कॉमा बी प्लस के फंक्शन ए बी किसके कॉल, ये अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ क्या जाएगा, के एफ वाई ए बी, इस चीज़ को हम प्लस में क्या लिख कर रखते हैं कि फाई के। ठीक है, इस चीज़ को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फाई के हमने अपने से अज्यूम किया है, क्योंकि देखो वैसे अगर नॉर्मल तरीके से देखोगे आपको कि सर ये टर्म तो था ही नहीं, इसी वजह से तो इसका मान जीरो के इक्वल माना जाता है। वेयर आपको बताना होगा यहाँ पर, वेयर फाई के टेंस टू ज़ीरो एज के टेंस टू ज़ीरो, फाई के का मान जीरो तब जा रहा है जब इस के का मान जीरो की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ वैनिश हो गई, यानी ये चीज़ इक्वल हो गए। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू ये चीज़ जो आई है इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू, और इक्वेशन कहाँ सेकंड का है हमारा, ये चीज़ इस चीज़ की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दो, मतलब इस चीज़ के जगह पर हमें ये रखना है और इस चीज़ के जगह पर हमें ये रखना है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब इन वैल्यूज़ को जब आप रख दोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है वो हम लिख देते हैं दोबारा से, कि फंक्शन ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ये तो लेफ्ट में था एफ ए बी, किसके इक्वल आ जाएगा, एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस फाई के। ठीक है, प्रूफ्ड है, तो ऐसे प्रूफ करना था हमें। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, और आई एम श्योर आप अगर प्लेलिस्ट मेरे चेक करोगे तो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं आपको वो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करना, जो भी आपकी काम की चीज़ें उनको आप देखना, अपने छोटे बड़े भाइयों को भी चैनल लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं हायर लेवल की भी स्टडी कराता हूँ, तो सबकी मदद हो सकेगी। तो प्लीज़ चैनल लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा है वो ज़रूर बताएँ, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वो वीडियो आपको विद इन वीक के अंदर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। Thanks for watching.